बच्चों लास्ट टाइम पर हम एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे। एल्कोहल में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी और उसके कुछ मैकेनिज्म, उसकी क्रियाविधियाँ पढ़ी थी, जैसे डिहाइड्रेशन पढ़ा था और SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, यूनिमालिकुलर बाईमालिकुलर ये पढ़ा था। और सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के अल्कोहल के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर ली थी। आज उसी के आगे पढ़ते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की टेस्टिंग कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल होता है या सेकेंडरी अल्कोहल होता है या टर्शियरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं आज। तो इसमें एक होता है ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, इसी को हम ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास रीजेंट भी कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास रीजेंट। तो ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास रीजेंट क्या होता है? कंसंट्रेट HCl, सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिश्रण होता है यही ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास रीजेंट होता है, ठीक है ना। कंसंट्रेट HCl या सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास रीजेंट कहते हैं, पहली बात। अब प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? तो जो भी अल्कोहल होता है वो HCl से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है निर्जल जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो उसी के क्लोराइड बनते हैं, एल्किल क्लोराइड बनते हैं और उसमें जल बनता है, ये रिएक्शन होती है। कोई भी अल्कोहल होगा, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, कोई भी अल्कोहल होगा HCl से क्रिया करेगा जिंक क्लोराइड निर्जल की प्रेजेंस में, तो एल्किल क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। ये प्रोसेस होती है प्राइमरी की भी, सेकेंडरी की भी और टर्शियरी की भी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल जो हमको मिला है वो एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ले लिया और अल्कोहल लेने के बाद उसमें कंसंट्रेट HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड डाल देते हैं। इसका मिश्रण या तो अलग बना लेते हैं, कंसंट्रेट HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड डाल देते हैं और उसके बाद वो अल्कोहल में डाल देते हैं। तो अल्कोहल में ल्यूकास रीजेंट मिलाते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। यदि प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल में जब हम कंसंट्रेट HCl और जिंक क्लोराइड मिलाएंगे तो क्या होता है, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, सामान्य कमरे के ताप पर उसमें धुंधलापन, टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन नहीं आता, आप लोग हिंदी में इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसमें धुंधलापन नहीं आता। जैसे मिट्टी में, पानी में मिट्टी डालो ना तो पानी गंदा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, तो उसी को हम लोग यहाँ टर्बिडिटी बोलते हैं। इंग्लिश में पानी गंदा हो गया, धुंधला हो गया, तो वो धुंधला इसमें रूम टेम्परेचर पर नहीं होता। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या करते हैं, कंसंट्रेट HCl और जिंक क्लोराइड मिलाते हैं तो टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी या धुंधलापन आता है तो समझ लेंगे कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और रूम टेम्परेचर में धुंधलापन आता ही नहीं है तो वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। और यदि 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, मतलब टर्शियरी अल्कोहल हुआ या तृतीयक अल्कोहल हुआ, तो क्या करते हैं, उसमें HCl डालेंगे कंसंट्रेट और निर्जल जिंक क्लोराइड और टर्बिडिटी तुरंत आ जाती है, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, तुरंत टर्बिडिटी आ जाती है। तो इससे सिद्ध होता है
कि ये 3 डिग्री एल्कोहल है, मतलब टर्शरी एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है। तो ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ल्यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं और इसके द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल, 2 डिग्री का मतलब द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल, और 3 डिग्री एल्कोहल का मतलब टर्शरी या तृतीयक एल्कोहल। तो इस प्रकार से ये तीनों एल्कोहल है। तो इसमें टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं, हमें कोई लैब में एल्कोहल दे दिया गया, अब वो हमको नहीं पता है कि प्राइमरी एल्कोहल है कि सेकेंडरी है टर्शरी है, तो उस एल्कोहल में हम क्या करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट डाल देंगे। ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद, ल्यूकास रिएजेंट मतलब कंसंट्रेट HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड डाल देंगे, यदि उसमें टर्बिडिटी धुंधलापन तुरंत आ जाता है तो क्या होगा, टर्शरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल होता है, तुरंत आ जाता है। और अगर जो 5 मिनट के बाद धुंधलापन आता है तो इसका मतलब सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल होगा या 2 डिग्री एल्कोहल होगा। और धुंधलापन आता ही नहीं है, धुंधलापन नहीं आता मतलब रिएक्शन नहीं होती रूम टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा लेकिन रूम टेम्परेचर पर इसमें रिएक्शन नहीं होता है, तो धुंधलापन नहीं आता है तो इसमें ये प्राइमरी एल्कोहल होता है। तो जो धुंधलापन आता है, टर्बिडिटी आती है, वो किसकी आती है, एल्किल क्लोराइड की। ल्यूकास रिएजेंट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल की जो पहचान की जाती है उसमें जो धुंधलापन आता है वो एल्किल क्लोराइड का होता है। तो बस अब इसके ल्यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं, कंसंट्रेट HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। और ल्यूकास रिएजेंट को एल्कोहल में मिलाए तुरंत टर्बिडिटी आ गई, तुरंत धुंधलापन आ गया, तो तृतीयक एल्कोहल या टर्शरी एल्कोहल। धुंधलापन या टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद आती है तो वो सेकेंडरी एल्कोहल, और टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पर आती ही नहीं, बहुत देर बाद हाई टेम्परेचर पर तब आती है तो वो प्राइमरी एल्कोहल है। तो इस प्रकार से ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं ये आपने सीख लिया। इसको नोट करेंगे और याद करेंगे कि ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले जो ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, 2 डिग्री का मतलब द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल, और 3 डिग्री का मतलब टर्शरी या तृतीयक एल्कोहल। और बाकी सब चीज़ें यहाँ टर्बिडिटी को ध्यान रखेंगे, टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन यहाँ पर लिख देंगे, धुंधलापन, 1 डिग्री में धुंधलापन आता ही नहीं है, 2 डिग्री में 5 मिनट बाद धुंधलापन आता है, 3 डिग्री में धुंधलापन तुरंत आ जाता है। तो इस प्रकार से ल्यूकास अभिकर्मक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे और इसमें इसके द्वारा कैसे प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल की पहचान हम कैसे करते हैं। तो इसको याद करेंगे, समझेंगे और नेक्स्ट टर्न पर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।